सेंचुरीज में कोरोना से अफेक्टेड डेड बॉडीज को पकड़कर उनके घर वालों को दिए, उनका मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हम सरहद के फौजियों को सलूट करते हैं, मैं आज ये हेल्थ वर्कर्स और ये जितने कोविड वॉरियर्स है इस आह्वान के जरिए उनको सलूट करता हूं कि मैं मेरी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से 5.5 करोड़ रुपये का राशन मैंने तकसीम किया, 1 लाख फूड पैकेट्स दिया, 1 लाख राशन के किट्स दिए हमने। एक एक मेरे पार्टी के एमएलए फील्ड पर थे। मौजम खान इन्फेक्टेड हुए, बलाला इन्फेक्टेड हुए, अहमद पाशा खादरी इन्फेक्टेड हुए, सब हुए, लेकिन फील्ड को नहीं छोड़े। वी हैव बीन देयर फॉर द पीपल विद द पीपल इन दिस सिचुएशन। व्हाट आर द रिलीफ मेजर्स दैट ऑल्सो हैज नॉट बीन मेंशन्ड। यू हैव गिवन राशन, व्हाई डिडंट यू मेंशन दैट? यू हैव गिवन रिलीफ टू द माइग्रेंट वर्कर्स, व्हाई डिडंट यू मेंशन दैट? यू हैव ऑर्गेनाइज्ड ट्रेन्स फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, व्हाई डिडंट यू मेंशन इन दिस? यू हैव गिवन मनी, व्हाई डिडंट यू मेंशन इन दिस? ये सारे महाभारत जो पूछ रहे हैं, अगर उनको चाहिए तो भिजा देते हैं। इतना ऊंचा आवाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आवाज ऊंचे क्यों कर रहे हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इज रिएक्टिंग एंड गेटिंग सो एंग्री व्हेन आई सल्यूटेड द हेल्थ वर्कर्स। आई डोंट नो व्हाई इज ही गेटिंग सो एंग्री ओवर मी एंड सेइंग महाभारत व्हेन आई एम सल्यूटिंग द डॉक्टर्स, व्हेन आई एम सल्यूटिंग द नर्सेस, व्हेन आई एम सल्यूटिंग द लैब टेक्नीशियन। एम आई रॉन्ग? I would say the lockdown was unconstitutional. के बार बार तबलीगियों को बोलते रहे तबलीगियों पे इल्जाम लगाते रहे कि उनसे कोरोना आया। I hope the people of the state are seeing कि how serious it is and what a time has been given on such a serious subject where the world is suffering. वक्त भी नहीं है हुकूमत के पास सुनने के लिए, बोलना भी नहीं देना चाहते हैं, और हम बोलते हैं तो महाभारत कहते हैं। ठीक है साहब, हम नहीं बोलेंगे। आपको मुबारक, ये ऐवान ये आपको मुबारक। आप जो चाहे जैसा चाहे कर लीजिए, इंशाल्लाह अवाम फैसला करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बोलना तो बहुत चाहता था, मरकजी हुकूमत पर भी गिरना चाहता था, उनके क्या नाकामियां हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है तो ठीक।